मुरादाबाद जनपद की कांठ विधानसभा से विधायक राजेश कुमार चुन्नू और उनके पुत्र विक्रांत कोरोना महामारी को देखते हुए मरीजों के घर तक फ्री कोरोना की दवाई पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले कि हाल ही में प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसके बाद से ही ग्रामीण इलाकों में अचानक ग्रामीण तेजी से कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, जिससे खतरे को देखते हुए कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए विधायक दिन रात लोगों तक दवाई पहुंचा रहे हैं। अब तक उनके द्वारा 400 परिवारों को कोरोना की दवाइयों की किट वितरित की गई है। साथ ही उनका लक्ष्य है कि उनकी विधानसभा में जितने भी लोग संक्रमित हैं उन तक दवाई पहुंचाई जाए। हाल ही में कांठ विधानसभा से विधायक राजेश कुमार चुन्नू और उनके पुत्र विक्रांत कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जिसके बाद उन्होंने खुद को होम आइसोलेट कर लिया था। अब वे पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं और कोरोना से जंग जीतने के बाद अब पिता पुत्र दिन रात जनता के लिए कोरोना की दवाइयों की किट वितरित कर रहे हैं। अपने विधानसभा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के घर घर जाकर उनका हालचाल जानते हैं और किसी को कोरोना वायरस के लक्षण होते हैं तो उन्हें अपने पास से ही कोरोना से लड़ने वाली दवाइयों की किट मुहैया कराते हैं। उनका लक्ष्य यही है कि जितने भी लोग इस समस्या से पीड़ित हैं उन तक सही समय पर दवाई पहुंच जाए, ताकि मरीज अपना बेहतर इलाज कर सके। ये गांव वो गांव है जिसमें मुख्यमंत्री जी के भ्रमण के समय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए थे और सुंदर सिंह जी के यहाँ, इनके यहाँ कोविड में जो है दो तीन लोग बीमारी से ग्रस्त थे कोरोना से, तो उनको हम आज उनके हालचाल पूछने आए थे कि वो अब तबीयत उनकी ठीक है नहीं है, उनको और दवाई भी दे दी गई है। इसके अलावा हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है कल से लेके कि जिन गांव में भी हम प्रधान से या और अपने बूथ अध्यक्ष के माध्यम से मिलते हैं और जो भी लोग गांव में कोरोना पॉजिटिव हैं जिनको बुखार है उनको दवाई वितरित, जिसमें 10 आदमी किसी गाँव में 20 आदमी है किसी गाँव में 4 आदमी है, उसी के हिसाब से उनको दवाई के पैकेट दे रहे हैं और उनको हम दवाई शुरू करा रहे हैं ताकि वो कोरोना की चपेट में ना आए और उनका समय रहते उपचार शुरू हो जाए, ऑक्सीजन की नौबत ना आए, ये हमारा प्रयास है। अपील क्या करना चाहते हैं? आम लोगों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि ये समय कठिन है देश के लिए और ये बीमारी ऐसी है कि इसका अभी तक कोई वैज्ञानिकों को मैंने जो उपचार किया जो टीका बनाया उसके अलावा नए नए तरह के वायरस आ रहे हैं, इसमें सावधानी रखने की विशेष अवस्था है, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है और जो आवश्यक कार्य हो उसमें ही घर से बाहर निकलें, बिना मतलब के घर से बाहर घूमना या भीड़ में जाना उचित नहीं है, अपने बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है, जान है तो जहान है, इसलिए इसके जो सरकार द्वारा गाइडलाइन दी गई है उसका पालन करना प्रत्येक मनुष्य का फर्ज बनता है। मनोहरपुर गांव में काफ़ी मरीज निकले थे, पहले मुख्यमंत्री जी भी यहां आए थे क्योंकि कोविड पेशेंट यहां थे, मुख्यमंत्री ने उनका हालचाल लिया, उनको दवाइयां भी दी गई, उनके बाकी लोगों के भी यहां टेस्ट कराए गए, आज विधायक जी भी उन लोगों के दोबारा जान हालचाल पूछने आए और भी लोग जो पॉजिटिव हुए उनके यहाँ भी गए सबके। कल से भी हमारा अभियान चल रहा है माननीय विधायक जी का, जिसमें हम कोरोना की जो किट है जो कोरोना के जो जिनमें लक्षण आ रहे हैं जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनको लिए वो दवाइयों की पूरी किट बनवाई गई है जो कल से हम वितरित कर रहे हैं, लगभग 400 किट हम वितरित अब तक कर चुके हैं। कितनी किटें वितरित करेंगे? अभी तो 1,000-1,500 किटें हमारी तैयार हैं, उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो और भी तैयार करवाएंगे। क्या अपील करना चाहेंगे जनमानस से? अपील यही है कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, ज़्यादा ज़रूरी काम होने पर घर से बाहर निकलें, मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, इससे ज़्यादा और कुछ अपील भी नहीं हो सकती और सबकी जीवन अपने उनके ही हाथों में, सुरक्षा ही सबसे बड़ी चीज़ है इसमें। मुख्यमंत्री जी आए थे जब से स्थिति बहुत बढ़िया सही है और लोग सुधार में हैं, लोग जागरूक हैं। हाँ, लोग जागरूक हैं और इसका कोराने का पालन कर रहे हैं। आज नगर विधायक वो क्षेत्र विधायक जी आए थे और वो भी दवाई किट द्वारा वितरण करके गए हैं। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील है कि मास्क और 2 गज दूरी और सोशल अंदर रहें और अपनी सुरक्षा रखें और ज़्यादा बाहर ना रहें। गांव में टेस्टिंग और किट वगैरह का वितरण हो रहा है? हाँ, गांव में टेस्टिंग भी हो चल रहा है और किट का वितरण भी चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम चल रही है, प्रशासनिक सहयोग प्रशासनिक अधिकारी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे गांव में दौरा हुआ उसके बाद लगातार कोई ना कोई स्वास्थ्य विभाग हो या फिर हमारे गांव के जो सचिव हैं वो हो, सफाई व्यवस्था पर उन्होंने जोर दिया है और जो आशाएँ वर्कर हैं और स्वास्थ्य विभाग से जो जुड़ी हुई हैं उन्होंने भी कल दवाई बांटकर जिन जिनको आवश्यकता थी उन्होंने उनको दवाई बांटकर उनका हालचाल भी पूछा और उनको दवाइयों के बारे में समझाया इनको कि इस बुखार में ये वाली लेनी है और उसमें ये लेनी दवाई। तो उसके बाद मुख्यमंत्री के बाद लगातार कोई ना कोई गाँव के अंदर सुधार होता नज़र आ रहा और लोग जो लॉकडाउन जो इस समय चल रहा है उसका पालन भी कर रहे हैं और अपने घरों में सब अधिकतर कैद।